बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 जनरल नॉलेज बुक का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9, द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, हुकूमत और शहरियों का किरदार। इस चैप्टर पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इस चैप्टर के टेक्स्ट की रीडिंग की थी। हमने पढ़ा था कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी के कुछ की प्रॉब्लम्स के बारे में, रोल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट एंड पीपल के अगर हुकूमत और आवाम के दरमियान तआवुन हो तो वो क्या कुछ कर सकते हैं, और इसके अलावा हमने गुड सिटीज़न के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 1, अमंग द वेरियस बेसिक फैसिलिटीज, वेरियस मुख्तलिफ, अमंग दरमियान, बेसिक फैसिलिटीज बुनियादी सहूलियात, मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात के दरमियान, गिवन बिलो जो कि नीचे दी गई हैं, मार्क टिक इन फ्रंट ऑफ अवेलेबल, हमने उन बेसिक फैसिलिटीज़ के सामने टिक मार्क करना है जो कि अवेलेबल है, हमारे पास मौजूद हैं, एंड मार्क क्रॉस फॉर अनअवेलेबल फैसिलिटीज़ इन योर एरिया, और आपके इलाके में ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि अनअवेलेबल आपको मौजूद नहीं है उनके सामने क्रॉस लगाना है। ये हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है, आप देख सकते हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि आपके एरिया में अवेलेबल हैं उनके सामने हमने टिक मार्क करना है, और ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि आपके एरिया में अनअवेलेबल हैं, मौजूद नहीं है, उनके सामने हमने क्रॉस मार्क करना है। इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, चिल्ड्रन पार्क, ये एक बेसिक फैसिलिटी है। अगर आपके एरिया में ये फैसिलिटी मौजूद है तो आपने टिक मार्क करना है, और अगर मौजूद नहीं है तो आपने क्रॉस मार्क करना है। हमारे एरिया में चिल्ड्रन पार्क मौजूद नहीं है, इसलिए मैं इसको क्रॉस मार्क कर रही हूँ। क्लीन वाटर, साफ पानी। थर्ड, हॉस्पिटल, अस्पताल। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। कॉलेज, पोस्ट ऑफिस, डाकखाना, पुलिस स्टेशन। कारपेटेड रोड्स, कारपेटेड रोड्स मतलब कि जो हमवार सड़कें हैं, अगर वो मौजूद हैं, हमारे इलाके में कारपेटेड रोड्स मौजूद नहीं हैं। लास्ट, सिस्टम टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज, सिस्टम निज़ाम टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज, गंद को ठिकाने लगाना, गंद को ठिकाने लगाने का निज़ाम ये हमारे इलाके में मौजूद नहीं है। ये हमारे पास एक एक्टिविटी थी। आपने देखा कि जो फैसिलिटीज़ आपके एरिया में मौजूद हों उनके सामने आप टिक मार्क करें, और जो फैसिलिटीज़ आपके एरिया में मौजूद नहीं हैं उनके सामने आप क्रॉस मार्क करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द चार्ट गिवन बिलो। नीचे हमारे पास एक चार्ट दिया हुआ है, हमने इसको कंप्लीट करना है। साइड्स पे आप देख सकते हैं हमारे पास एम्प्टी बॉक्सेस दिए हुए हैं। मिड में जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हुकूमत की जिम्मेदारियां। यहां पर हमने 4 गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है इन बॉक्सेस में, कि किसी हुकूमत की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। हुकूमत जिम्मेदार है कि वो अपनी आवाम को मुफ्त तालीम मुहैया करे। सेकेंड,
to provide health facilities. हुकूमत जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज, के वो अपनी आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करे. थर्ड, टू प्रोटेक्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स, यानी बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़ुस. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी आवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़ुस करे. टू प्रोटेक्ट देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स. बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या है? हर इंसान के पास कुछ बुनियादी इंसानी हुकूक मौजूद हैं, जैसे कि किसी बच्चे के पैदा होने के साथ ही उसके पास सबसे पहला हक होता है ज़िंदगी का, कि उसको ज़िंदा रहने दिया जाए. इसी तरह इस बच्चे के बढ़ने के साथ साथ उसको मज़ीद बेसिक ह्यूमन राइट्स दिए जाते हैं, जैसे कि राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू अवेल हेल्थ फैसिलिटीज, राइट टू मूवमेंट, राइट टू वोट, राइट टू लिव एनीवेयर ही वांट्स, राइट टू अर्न, कि वो अपने लिए कुछ कमा सके. और इसी तरह उसको आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ह्यूमन राइट्स मिलते जाते हैं. इसी तरह ये हर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स के इन बेसिक ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे. फोर्थ, इन्फोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर, यानी नज़्मो ज़ब्त का निफाज. ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी जो टेरिटरी है, जो अपना इलाका है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करे, यानी वहाँ पर नज़्म ज़ब्त हो, पीस हो, अमन हो, ताकि लोग आराम और सुकून से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सके. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हमने कुछ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा. फर्स्ट हमने पढ़ा टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, सेकेंड टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़, थर्ड टू प्रोटेक्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स, लास्ट टू इन्फोर्स लॉ एंड ऑर्डर इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी, कि जो उनका अपना इलाका है उसमें वो लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करे. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. मेक अ लिस्ट ऑफ वर्क्स डन ऑन सेल्फ हेल्प बेसिस इन योर एरिया. आपके इलाके में ऐसे काम जो कि सेल्फ हेल्प बेसिस, यानी अपनी मदद आपके तहत किए गए हों, उनकी एक लिस्ट बनाएं. ये एक एक्टिविटी है जिसमें हमने एक लिस्ट बनानी है अपने एरिया में ऐसे कामों की जो कि अपनी मदद आपके तहत मुकम्मल किए गए हैं. आपने ये लिस्ट अपने एरिया के अकॉर्डिंग बनानी है. मैं ये लिस्ट अपने एरिया के अकॉर्डिंग बना रही हूँ. फर्स्ट, प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर टू एवरीवन, सबको साफ पानी मुहैया करना. हमारे इलाके में जिन घरों में साफ पानी मुयसर नहीं होता, कोशिश होती है कि उनको अपने घरों से साफ पानी दिया जाए. सेकंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. हमारे एरिया में खुद लोग रोड्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं. जहाँ कहीं पर रोड्स ख़राब हो जाते हैं, उनको खुद ठीक करते हैं. थर्ड, कीपिंग द स्ट्रीट्स क्लीन. हमारे एरिया में लोग सेल्फ हेल्प बेसिस पर अपनी जो स्ट्रीट्स हैं उनको बिल्कुल साफ रखते हैं. ये एक ऐसा काम है जो कि हर सोसाइटी, हर एरिया में होना चाहिए. हर सोसाइटी के लोगों को चाहिए कि वो सेल्फ हेल्प बेसिस पर अपनी स्ट्रीट्स को बिल्कुल साफ रखें. लास्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ मसाजिद्स. हमारे एरिया में काफ़ी सारी मस्जिदों को तामीर करवाया गया है. ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें हमने ऐसे कामों के बारे में पढ़ा जो कि एक एरिया में
सेल्फ हेल्प पेसेज यानी अपनी मदद आपके तहत किए जाते हैं या किए गए हैं। मैंने आपको ये एक सैंपल दिया है जिसको मैंने अपने एरिया के अकॉर्डिंग इसको फिल किया है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, इससे हेल्प ले सकते हैं और अपने एरिया के अकॉर्डिंग इस लिस्ट को कंप्लीट करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए हुए सवाल के मुख्तसर जवाब दें। हम पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं फिर इनके आंसर्स वन बाय वन रीड करेंगे। फर्स्ट, व्हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर एस्टेब्लिश्ड, तालीमी इदारे क्यों कायम किए जाते हैं। एस्टेब्लिश्ड कायम करना, व्हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर एस्टेब्लिश्ड, तालीमी इदारे क्यों कायम किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई गवर्नमेंट इज नेसेसरी, हुकूमत क्यों जरूरी है। व्हाई गवर्नमेंट इज नेसेसरी, हुकूमत क्यों जरूरी है। थर्ड, हाउ अ गुड सोसाइटी इज फॉर्म्ड, एक अच्छा माशरा कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, आप निकासी के नाकस निजाम की वजह से कौन से मसाइल पैदा होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब 3 क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन, एक अच्छे शहरी, एक गुड सिटीजन की 3 क्वालिटीज, 3 खसूसियात या 3 खूबियां बताएं। अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स वन बाय वन रीड करते हैं। यूनिट नंबर 9, द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड सिटीजंस, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर एस्टेब्लिश्ड, तालीमी इदारे क्यों कायम किए जाते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तालीमी इदारे आर एस्टेब्लिश्ड, कायम किए जाते हैं टू असिस्ट, ताकि मदद की जाए स्टूडेंट्स तलबात की इन गेनिंग, कि वो हासिल करें नॉलेज इलम विद इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेटिंग, एक मुनज़्ज़म माहौल में। तालीमी इदारे कायम किए जाते हैं ताकि तलबात की मदद हो कि वो एक मुनज़्ज़म माहौल में इलम हासिल करें। अब हम बच्चे को घर में बिठा के भी काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं, उसको काफ़ी कुछ पढ़ा सकते हैं। हम बच्चे को एक दिन घर में बिठाएंगे, हम बच्चे को दूसरे दिन घर में बिठाएंगे, लेकिन ये रूटीन फॉलो करना बहुत मुश्किल है। जबकि आप देखें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक ऑर्गेनाइज्ड वे देते हैं बच्चों को, एक ऑर्गेनाइज्ड सेटिंग देते हैं बच्चों को कि वो इल्म हासिल करें। आप स्कूल जाएं, आप स्कूल में देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से क्लासेस बनी हुई होती हैं, क्लासेस में चेयर्स और टेबल्स पड़ी होती हैं, बोर्ड लगा हुआ होता है। ये बच्चों को इल्म हासिल करने में बहुत हेल्प करता है, बहुत असिस्ट करता है। इसके अलावा जो सबसे मेन पॉइंट है इसमें, ये है कि रेगुलरिटी है, कंसिस्टेंसी है, बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं, जिससे बच्चे के नेचर में एक कंसिस्टेंसी पैदा हो जाती है और रोज़ रोज़ नई नई बातें सीखने से वो एक ब्राइट स्टूडेंट और एक गुड सिटीजन बन जाता है। तो इसी वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम किए जाते हैं ताकि कंसिस्टेंसी पैदा हो और इल्म के हुसूल में आसानी हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाई गवर्नमेंट इज नेसेसरी, हुकूमत क्यों जरूरी है। एस्टेब्लिशिंग कायम करना, अ गवर्नमेंट एक हुकूमत, इज नेसेसरी जरूरी है, बिकॉज क्योंकि, दे हेल्प वो मदद करते हैं, कीप के रखे, पीपल सेफ लोगों को महफूज। हुकूमत कायम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो लोगों को महफूज रखने में मदद करता है। मेक्स रूल्स, कवानीन बनाता है, फॉर एवरीवन, सब के लिए, टू फॉलो कि वो उनकी पैरवी करे। एंड टेक केयर ऑफ द कंट्री, और मुल्क का ख्याल रखा जाता है। हुकूमत को कायम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो मदद करता है अपने लोगों की महफूज रहने में,
उनके लिए कवानीन बनाता है ताकि वो उनकी पैरवी करे, और ये कवानीन तमाम लोगों के लिए, तमाम आवाम के लिए एक जैसे होते हैं। और मज़ीद ये कि मुल्क का ख्याल रखा जाता है। हुकूमत वो ख़ास ग्रोह होता है किसी भी मुल्क में जो कि उस मुल्क के इंतज़ामात संभालते हैं। किसी मुल्क में अगर हुकूमत का इंस्टीट्यूशन, हुकूमत का इदारा कायम ना हो तो उसका सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ अ गुड सोसाइटी इज़ फॉर्म्ड, एक अच्छा माशरा कैसे बनता है। अ गुड सोसाइटी, एक अच्छा माशरा इज़ फॉर्म्ड, बनता है व्हेन एवरीवन, जब हर कोई इज़ ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने वाला हो, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार हो, काइंड रहम दिल हो, एंड वर्क टुगेदर, और इकट्ठे काम करे टू मेक श्योर कि वो इस बात को यकीनी बनाए एवरीवन के हर कोई इज़ हैप्पी, खुश है एंड सेफ और महफूज है। एक अच्छा माशरा बनता है जब उस माशरे के रहने वाले तमाम अफराद अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे, ज़िम्मेदार हों, रहम दिल हों और इकट्ठे काम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सब खुश और सब महफूज हैं। अ गुड सोसाइटी इज़ फॉर्म व्हेन एवरीवन इज़ ड्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिबल, काइंड एंड वर्क टुगेदर टू मेक श्योर एवरीवन इज़ हैप्पी एंड सेफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। वट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाई लेक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, आप निकासी के नाकस निज़ाम की वजह से कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है। ड्यू टू लेक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, आप निकासी के नाकस निज़ाम की वजह से डर्टी वाटर, गंदा पानी स्टैंड्स खड़ा रहता है इन स्ट्रीट्स, गलियों में, विच कॉजेज, जो कि वजह बनता है, सबब बनता है स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, बीमारियों के फैलाव की। आप निकासी के नाकस निज़ाम की वजह से गंदा पानी गलियों में खड़ा रहता है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव की वजह बनता है। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम डर्टी वाटर स्टैंड्स इन स्ट्रीट विच कॉजेज स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिस्क्राइब 3 क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन, एक अच्छे शहरी की 3 खूबियाँ लिखें। अ गुड सिटीजन फुलफिल्स हिज ड्यूटीज, एक अच्छा शहरी अपने फराइज पूरे करता है। सेकेंड, अ गुड सिटीजन इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल, एक अच्छा शहरी हमेशा जिम्मेदार होता है। थर्ड, अ गुड सिटीजन बिलीव्स इन सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, एक अच्छा शहरी कानून की बालादस्ती या एक बराबरी के कानून पर यकीन रखता है, एतबार रखता है, वो इस बात पर यकीन रखता है कि मुल्क का जो कानून है वो सबके लिए एक जैसा है और ये कि कानून से बरतर कोई इदारा और कोई इंस्टीट्यूशन मौजूद नहीं है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 70। प्रोजेक्ट वर्क, यहाँ पर हमारे पास एक प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं। क्लास शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, क्लास को 3 ग्रोहों में तकसीम करें अंडर द सुपरविजन, सुपरविजन रहनुमाई ऑफ द टीचर, उस्ताद की, उस्ताद की रहनुमाई में क्लास को 3 हिस्सों में तकसीम करें। वन ग्रुप विल विजिट, पहला ग्रुप विजिट करेगा देयर एरिया, अपने इलाके का, टू कलेक्ट, कि वो जमा करें इंफॉर्मेशन, मालूमात अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर जो नीचे सवालात दिए गए हैं उनके बारे में मालूमात जमा करें। द सेकेंड ग्रुप, दूसरा ग्रुप विल फाइंड द रीजंस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, दूसरा ग्रुप इन मसाइल के वजूहात को मालूम करेगा कि जो इश्यूज हैं उनकी रीजंस क्या हैं। थर्ड ग्रुप, तीसरा ग्रुप विल ऑफर सजेशंस, वो तजावेजात पेश करेगा
फॉर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स, ताकि इन मसाइल को हल किया जा सके। क्लास को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट ग्रुप अपने एरिया को विजिट करेगा और नीचे जो क्वेश्चनियर दिया गया है इसके अकॉर्डिंग अपने एरिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। सेकेंड ग्रुप इन जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं क्वेश्चनियर में इनकी रीजंस मालूम करेगा, और थर्ड ग्रुप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के सजेशंस देंगे। अब हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चनियर को कि इस क्वेश्चनियर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फर्स्ट ग्रुप ने किन क्वेश्चंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इनको रीड करते हैं। फैसिलिटीज, सहूलियात, अवेलेबल अनअवेलेबल, अवेलेबल मौजूद, अनअवेलेबल गैर मौजूद। फर्स्ट ग्रुप ने इन फैसिलिटीज़ के बारे में अपने एरिया में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि क्या ये फैसिलिटीज़ उनके एरिया में अवेलेबल है या नहीं। फर्स्ट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अकॉर्डिंग टू द नीड, ज़रूरत के मुताबिक साफ पानी मुयस्सर है या नहीं। अगर है तो वो अवेलेबल को टिक कर दें, अगर अनअवेलेबल है तो वो इसको टिक कर दें। सेकेंड, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, आब निकासी का मुनासिब निज़ाम कि क्या उनके एरिया में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मौजूद है। थर्ड, प्राइमरी स्कूल फॉर बॉयज़, लड़कों के लिए प्राइमरी स्कूल। फोर्थ, प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल। फिफ्थ, फैसिलिटीज़ इन स्कूल, स्कूल में सहूलियात। अब फर्स्ट ग्रुप ने ये पता लगाना है कि प्राइमरी स्कूल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में क्या ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं या नहीं। वॉशरूम, क्या उनके स्कूल्स में वॉशरूम्स मौजूद हैं। लाइट, बिजली। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। सिक्स्थ, हेल्थ फैसिलिटीज़, सेहत की सहूलियात। सेवन्थ, प्लेग्राउंड, खेल का मैदान। लास्ट, प्रॉपर सिस्टम फॉर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, गंद ठिकाने लगाने का निज़ाम। फर्स्ट ग्रुप ने इस क्वेश्चनियर को फिल करना है अपने एरिया के अकॉर्डिंग, और ये क्वेश्चनियर फिर उन्होंने देना है सेकेंड ग्रुप को। जो फैसिलिटीज़ अनअवेलेबल होंगी सेकेंड ग्रुप ने उस पे काम करना है। उन्होंने देखना है कि ये क्यों अनअवेलेबल हैं, इसकी क्या रीजंस हैं, और फिर थर्ड ग्रुप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सजेशंस देंगे। ये प्रोजेक्ट वर्क है जो कि क्लासरूम में बच्चों ने करना है। ये एक्टिविटी बच्चों से ज़रूर करवाएं ताकि उनको अपने एरिया की फैसिलिटीज़ के बारे में पता लग सके। टीचिंग पॉइंट्स, अरेंज डिफरेंट एक्टिविटीज़, अरेंज तरतीब दें डिफरेंट एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ सरगर्मियाँ। टू मोटिवेट चिल्ड्रन, ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो सके। टू वर्क टुगेदर, कि वो इकट्ठे काम करें। ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चों के दरमियान अरेंज करें कि वो इकट्ठे काम करें, ग्रुप वर्क करें। जैसे कि आपको ये प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, ये भी एक ग्रुप वर्क है। इसमें क्लास को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि बच्चों से ये प्रोजेक्ट वर्क लाजमी करवाएं। एक तो उनको अपने एरिया की फैसिलिटीज़ के बारे में पता लगेगा, सेकेंड ये कि उनको ग्रुप वर्क करना आएगा। सेकेंड, इंट्रोड्यूस डिफरेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन पाकिस्तान। इंट्रोड्यूस, तारुफ करवाएं डिफरेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, फलाही इदारे वर्किंग इन पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इस चैप्टर नंबर 9 में एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था जो कि है ईदी फाउंडेशन। इसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, जैसे कि आगा खान फाउंडेशन, औरत फाउंडेशन, अल खिदमत वेलफेयर फाउंडेशन, ट्रांसपेरेंट हैंड्स, चीपा वेलफेयर एसोसिएशन वगैरह वगैरह। लास्ट, गाइड चिल्ड्रन इन कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट वर्क, बच्चों को इस प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने में असिस्ट करें, उनको गाइड करें, उनकी रहनुमाई करें। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 9 एंड होता है।
हमने इस चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट बातें सीखी हैं। हमने देखा है कि गवर्नमेंट के क्या काम हैं और सिटीजन्स की क्या ड्यूटीज़ हैं। इसके अलावा हमने देखा कि पाकिस्तान में कौन से बेसिक प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।